नमस्कार दोस्तों, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बाद मंदसौर संसदीय क्षेत्र को मिली एक और नई सौगात। रतलाम मंदसौर नीमच रेलवे लाइन का दोहरीकरण किया जाएगा, ये भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। इससे क्षेत्र के पर्यटन को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के भी काफ़ी नए अवसर बनेंगे। तो चलिए अनुराग ठाकुर जी ने क्या कुछ कहा सुनते हैं। नीमच रतलाम लाइन, जहाँ पर बहुत ट्रैफिक भी रहता है, बहुत औद्योगिक क्षेत्र भी लगते हैं, ये अभी भी सिंगल लाइन है। मध्य प्रदेश के नीमच रतलाम की जो लाइन है, इसकी डबलिंग की मंजूरी दे दी गई है। 133 किलोमीटर की रेलवे लाइन के ऊपर लगभग 1,096 करोड़ रुपया डबलिंग पर खर्च होगा, इस पर इन्वेस्टमेंट होगी। चित्तौड़ और उसके साथ लगते आसपास के क्षेत्रों में जो सीमेंट का उद्योग है, टेक्सटाइल उद्योग है, टूरिज्म और अन्य यातायात की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए डबलिंग बहुत महत्वपूर्ण थी।